नव भारती स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज के हम लेसन के अंतर्गत आज जो हम लेसन करेंगे, इस लेसन में हम सेट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन, सेट क्या होते हैं, ये समुच्चय क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, उन्हें किस प्रकार से लिखते हैं, ये हम जानेंगे। इसके दो मेथड है, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। दोनों मेथड से हम किस प्रकार से सेट का निर्माण करते हैं, समुच्चय को लिखते हैं, वो हम जानेंगे। फिर तीन प्रकार के सेट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट और इक्वल सेट जानेंगे। एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित। अपरिमित और इक्वल, समान समान समुच्चय, इनको हम जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सेट थ्योरी के जनक जॉर्ज कैंटर थे और जॉर्ज कैंटर ने इसको डेवलप किया था जब वो काम कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर। तो उनको ध्यान में आया कि हम सेट बनाकर और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाकर हम बहुत सारी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर आपके अर्थमेटिक है, अंकगणित है, बीजगणित है, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, उसी प्रकार से सेट थ्योरी भी मैथ्स में अपनी एक अलग पहचान रखती है। और ये अन्य मैथमेटिक्स में आपके कोऑर्डिनेट में, मेंसुरेशन में और आपके कैलकुलस में और कई अन्य अन्य मैथमेटिक्स में ये सेट थ्योरी मैथमेटिक्स काम आती है। चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहले सेट क्या होता है? सेट समुच्चय। समुच्चय क्या है इसे जानते हैं। क्या है? परिभाषा में लिखा है, वी सेल से दैट सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इस पर आपको ध्यान देना है। और भी चीजों का समूह, संग्रह, समुच्चय है। इससे जहां मैं खड़ा हूं, इस ऑफिस के अंदर चेयर है, टेबल है, आपका कैमरा है, ट्राइपॉड है, ये बोर्ड है, वॉच है, इनको यदि हम एक इन नामों को हम लिख दें या इन वस्तुओं को संग्रहित कर दें तो इन्हें समुच्चय बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि समुच्चय किस चीज का समुच्चय, कैसी वस्तुएं हैं कि एक आपके ऑनलाइन स्टूडियो के अंदर जो वस्तुएं होनी चाहिए वो है। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर हमने एक ब्लेड रखी, हमने एक रेजर रखा, हमने एक सेविंग क्रीम रखी, हमने एक आफ्टर सेव लोशन रखा, हमने उसके अंदर कैंची रखी और उसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? एक सेविंग किट है ना, सेविंग। हमने ऐसे एक और बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने बैंडेड रखी, हमने उसके अंदर बैंडेज रखी, हमने उसके अंदर कॉटन रखा, उसके अंदर हमने आपके कोई लोशन रखा, कोई मेडिसिन रखी, डेटॉल रखी, तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे? हम उस बॉक्स को बोलेंगे कि ये एक फर्स्ट एड किट है। को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बॉक्स लें, उसके अंदर हम थोड़ा सा एक छोटी सी पुड़िया में हम चावल रख दें, हम उसमें एक ब्लेड भी रख दें, हम उसमें एक चश्मा रख दें, हम उसमें एक पेंसिल रख दें, तो अब उसको क्या बोलेंगे? आप किस चीज़ का बॉक्स है वो तो डिफाइन करना मुश्किल होगा। जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे आप बता नहीं सकते कि किस चीज का बॉक्स है, वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है, जो वेल डिफाइंड है वो सेट है। आपका आफ्टर सेव, ये आपका सेविंग किट डिफाइंड सेट है, डिफाइंड ग्रुप है, इसलिए सेट है। आपका वो फर्स्ट एड किट एक डिफाइंड ग्रुप है, इसलिए वो एक सेट है। ठीक है, तो सेट में वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसमें तीन बातें ध्यान में रखनी है आपको, और लिखते कैसे हैं इसे। पहली बात ऑब्जेक्ट्स, पहली बात आपको इसका ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, एक जैसे होने चाहिए, है ना।
members. दूसरा, sets are usually denoted by capital letters. कोई भी set लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे क्लास फिफ्थ में, क्लास फिफ्थ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं, आपने जो भी हमने लिया था सेविंग किट का उदाहरण लिया वो लिख सकते हैं, ब्लेड आपका आफ्टर सेव वर्शन, कैंची आपके, रेजर, ठीक है? तो ये एक सेट हो गया, समुच्चय हो गया, राइट? इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ध्यान देना, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, इस वाले ब्रैकेट को यूज करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बाद में, हर इसके जो कैंडिडेट के बाद में एक इस प्रकार का एक कॉमा लगाते हैं, ये इसको लिखने का एक तरीका है, फॉर्मेट है। और जो इसमें अंदर जो लेटर्स लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, बी ब्लैक को ऐसे लिख सकते हैं, सेवर शू को ऐसे, है ना, कैंची को आप लिख दीजिए, रेजर को लिख दीजिए, ये स्मॉल लेटर्स में। अंदर जो लिखते हैं इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और जो सेट का नाम है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ये कैपिटल में होना चाहिए और ये स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, राइट? तो ये इसको लिखने का एक तरीका हुआ सेट को। दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यदि आपने दो या तीन बार कैंची रखी हुई है उसमें तो कैंची को दो तीन बार ही लिखना, एक बार ही लिखना है। इसमें कोई भी एलिमेंट्स को हम कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। अब हम इस सेट की बात करते हैं, इस सेट का नाम हमने ले दिया, ये जो एलिमेंट्स है ये हम कह सकते हैं कि जो बी एलिमेंट्स है ये एलिमेंट ए का है, इस प्रकार से एस भी एलिमेंट है, हम लिखेंगे यदि यहां पे सी, सी एलिमेंट है क्या ए का, सी तो नहीं है इसमें, तो इसको इस प्रकार से काट के लिखते हैं। तो एलिमेंट्स को हम इस सेट के साथ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट्स को लिखने के, पूरे सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक है रोस्टर मेथड, एक है सेट मेजर फॉर्म। रोस्टर मेथड जो भी हमने सीखा रोस्टर मेथड में ही था, ब्रैकेट्स इसमें लिखेंगे और इसके बाद में एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है? और इन्होंने कहा है कि जैसे ये द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 को डिवाइड करते हैं वो नंबर लिए, 1 से 42 डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 10 से। तो आपको एक सेट लिखना है, तो इस प्रकार से भी लिखेंगे, ये वाला तरीका कहलाता है, ये फॉर्म कहलाती है आपके रोस्टर फॉर्म। अधिकतर सेट हम इसी में लेते हैं, अधिकतर सेट में काम हम इसी में करते हैं। चलिए अब आते हैं हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म जो, अब जैसे एक एग्जांपल लिया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, अभी एक सेट है, अभी था ए ई आई ओ यू, ये क्या थे? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स थे। इन वोवेल्स को ये लिखा तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था आपका रोस्टर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसी को ए, इस प्रकार के सदस्यों का समूह है जिसमें सदस्य जो हैं एक्स है, सारे के सारे, वो एक्स कैसे हैं? ये सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, इस परे चिन्ह पर ध्यान देना, दिस इज एक्स है, और एक्स क्या है? एक्स है जो वो है वोवेल है, एक्स इज ए वोवेल, और वोवेल भी किसके हैं? इन इंग्लिश अल्फाबेट।
इस प्रकार यदि हम लिखते हैं इस तरह से, तो ये कहलाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स हो लेते हैं, तो एग्जांपल्स लेने के बाद में ये एग्जांपल्स को लेते हैं और फिर इसको और समझते हैं ठीक प्रकार से। पहला एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इनके दो के पेयर बन जाएंगे एक्स एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दो हो जाएंगे। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू प्लस वन। तो सेट कैसे बनेगा, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसका सेट कैसा बनेगा। दो आएंगे आंसर, प्लस वन और माइनस टू। इसमें आप कैसे माइनस टू पे लिख दो, प्लस वन बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द सेट इन ए रोस्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक्स सेमीकोलन एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन ऑफ 40 इन द रोस्टर। इसको अब आपको ये एक्स ढूंढना है। एक्स क्या है, एक्स ढूंढना, एक्स जो भी जो आते हैं वो लिख दो बी में, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में होगा। अब इसने कहा एक्स क्या है, एक्स एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए जीरो को छोड़ देते हैं, वन से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव बोला इसलिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन साथ में एक बात और लिखिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये लिखिए। जो एक्स स्क्वायर होगा वो 40 से कम होगा। हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, इनका स्क्वायर किया सबका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 42। यहां सब लेस देन है 40 से, ये लेस देन है 40 से, ये लेस देन 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 40 से, बट 7 स्क्वायर इज नॉट लेस देन ऑफ 40, इट इज ग्रेटर देन ऑफ 40। अब 7 के बाद जो भी आप इंटीजर्स लेंगे, 7 के बाद जितने भी इंटीजर्स लेंगे, वो सारे के सारे उनका जो स्क्वायर होगा वो 40 से ज्यादा होगा, उनकी 40 से कम होना चाहिए। तो हमें क्या लेना है, केवल इतने ही इंटीजर्स लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब थर्ड वाला लेते हैं हम। राइट द सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ये है क्या, वन आपको क्या दिख रहे हैं, हम देखते हैं वन वन है, फिर आपका एक है फोर है, फिर नाइन है, 16 है, 25 है, और ऐसे डैश डैश किया हुआ है। वन वन एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, वन वन का स्क्वायर है, फोर टू का स्क्वायर है, नाइन थ्री का स्क्वायर है, 16 फोर का स्क्वायर है, 25 फाइव का स्क्वायर है, ऐसे है ना ये। तो एक आपको पैटर्न मिल रहा है कि ये सब स्क्वायर हैं, तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था, ए
ये एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट है इसका, x एलिमेंट। और x क्या है, x क्या है, x स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, x जो है वो n का स्क्वायर है। और n क्या है, n क्या है, n है आपका जो जितने नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर है वन का स्क्वायर टू, तो वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, नेचुरल नंबर है। एन है जो वो वास्तव में नेचुरल नंबर है, ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन इज ए नेचुरल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे करके एन इज ए नेचुरल नंबर। तो सारे बात नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है, तो ये डैश 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 का मतलब भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेट वेक्टर फॉर्म। बहुत मुश्किल नहीं है, ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली करेंगे तो हो जाएगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस सेट का नाम हम दे लेते हैं कुछ भी, बी वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फाइव, फाइव अपॉन सिक्स और सिक्स अपॉन सेवन। ऊपर यहां पर न्यूमेरेटर में क्या है, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर क्या है, न्यूमेरेटर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन सिक्स तक ये है, इंफिनिटी तक नहीं है। और नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में जो ऊपर थे ना नंबर, उसे एक ज्यादा है, वन से ज्यादा है, टू से ज्यादा है, थ्री से ज्यादा है, वन प्लस है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे बी जो आपका सेट है उसमें x एलिमेंट है। यहां तक लिखना लिखना है, जितने भी हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे तो हमें ये तो लिखना ही लिखना है। b ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x और सेमीकोलन, ये तो लिखना लिखना। इसके बाद में क्या करना है, x क्या है, x इज इक्वल टू ऊपर क्या है n है, नीचे क्या है n प्लस वन है, राइट। बट एन मान लिया इनको हमने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नीचे एन प्लस वन। अब ध्यान से, अब ये आपको कॉलन लगाना है और इसके बाद में आपको लिखना है कि एन को भी डिफाइन करना है। एक्स को डिफाइन कर दिया आपने, अब एन को भी डिफाइन करना है। एन क्या, एक्स को डिफाइन कर दिया आपने इस प्रकार से कि एक्स क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन। अब एन क्या है, एन इज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट तो ये बात, एक बात, नेचुरल नंबर है लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं है ना, सेवन नहीं है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन नहीं है, इसमें आगे तक इन्फिनिटी तक नहीं है, तो वो बात भी लिखनी पड़ेगी आपको। जो एन है वो सिक्स, सिक्स के बराबर है और सिक्स से छोटा है, इज इक्वल एंड लेस देन ऑफ सिक्स, सिक्स के बराबर भी है, सिक्स से छोटा भी है। ये आपका हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान में आ गया, x लिखना, सेमीकोलन लगाना, x इक्वल्स टू x को डिफाइन करना। x को डिफाइन करने में यदि आपने कोई वेरिएबल लिए हैं, जैसे वेरिएबल लिया था n, उसको भी डिफाइन करना। डिफाइन करके आप ऐसे ब्रैकेट पे बंद कर दीजिए, मंझले ब्रैकेट पे बंद कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपका ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा ये आपको एक्सरसाइज, वैसे तो आपको करनी है एक्सरसाइज, आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपके नीचे में जो सेट है या नहीं है बताना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये डिफाइंड है, पूरी तरह डिफाइंड है, एकदम सही से परिभाषित किया हुआ है। जैसे स्टार्ट होने वाले, जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम लिखे हैं। जैसे कौन सा स्टार्ट होता है, जनवरी,
जुलाई, जून, है ना, तो उनको आप लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसे आपको जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई करने के लिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इस पहले वाले को मैं लिखता हूं जनवरी, जुलाई, जून, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 3 मंथ है, तो ये आपका हो गया। तो इनमें से देखना है, इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। तो ये तो सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, यस दिस इज अ सेट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इसको आप लिख पाओगे क्या? लिखना मुश्किल है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बहुत सारे हैं, इसको ज्यादा टैलेंटेड कौन सा है, तो थोड़ा ढूंढना सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव होता है इसको हम नहीं लिख सकते, इसका सेट नहीं बने। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी मुश्किल है, जो वेल डिफाइंड नहीं है तो छोड़ दो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये है डिफाइंड, यस इसको बना सकते हो आप। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी है, नेचुरल नंबर पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेस देन 100 99 तक आ जाएगा। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना इसे। कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स है, एक्स सेमीकोलन, एक्स क्या है, एक्स इज एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, ये एन क्या है, एन इज एलिमेंट ऑफ एन है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, और एन लेस देन ऑफ 100, राइट। इस प्रकार से एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी कर सकते हो, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई आप नॉवेल्स है उनको लिख सकते हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और इवन इंटीजर्स इसको भी बना सकते हो, जितने भी इवन इंटीजर्स है, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करोगे। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, एलिमेंट और एलिमेंट नॉट एलिमेंट, 5 इज एलिमेंट ऑफ यस, 8 नहीं है इसमें, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, है ना, इस प्रकार से करना। नीचे वाला भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, इन्हें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। एक्स है, एक्स इज एन इंटीजर, एंड -3 से ज्यादा बड़ा और बराबर होगा, और 7 से छोटा होगा। -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 के बराबर भी है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा है, 7 नहीं है, तो यहीं तक हो जाएगा, राइट। ऐसे ऐसे करके लिखना है सब, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके 4, 5, 6, द फॉलोइंग सेट बिल्डर, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं एक कर देता हूं, कोई सर कौन सा कर देते हैं, फर्स्ट ही कर लेते हैं, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में। ये लिखा हुआ था आपका 3, 6, 9, 12, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए 3 की टेबल है, दिख रही है 3, 6, 9, 12, और उसके आगे नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें x है, x क्या है, x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, दूसरा नेचुरल नंबर तो है लेकिन 1, 2, 3, 4, 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये 5 से छोटा है, तो n है वो 5 से छोटा है, राइट। इस प्रकार से हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, ये वाला हमने किया, बाकी करने हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें ऑल द एलिमेंट्स इसकी लिस्ट बनानी है। x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड
नेचुरल नंबर ऑड। तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9 एक्चुअली लिस्ट बनानी है या फिर इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है वन बार। तो इन्हें आप लिस्ट बनाए या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म इन सेट, ठीक है। मैच ईच ऑफ द सेल है, इधर जो लिखे हैं वो आपके लिखे हैं रोस्टर फॉर्म, इधर जो लिखे हैं आपके सेट इंटर फॉर्म, इन्हें मैच करना। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ये क्या है, ये 6 के डिवाइजर है, 6 के डिवाइजर है, तो ये इससे हो जाएगा मैच सी। तो ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, राइट करेंगे आप। चलिए अब हमने तीन बातें और सीखनी थी इस लेसन के अंतर्गत। कहा था आपको हमने शुरू में स्टार्ट में द एम्प्टी सेट क्या होता है। मैं कुछ सेट लिखता हूं यहां, ये एक सेट लिखा मैंने 0, एक और सेट लिखा मैंने 1 x क्या है, x एक n है, और n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर लिखा हमने कॉमा n है, जो ये बिगर तो है इसको हमने लिखा n है जो एक नेचुरल नंबर है, और हमने लिखा n है जो स्मॉलर देन 1 है, राइट। इस प्रकार से ये तीन हमने लिख रखे हैं, हमने एक और लिख दिया हमने और एक और लिख दिया हमने e। चलिए इनमें से एम्प्टी सेट कौन कौन सा है ये मैं पूछता हूं। एम्प्टी सेट को हम हमेशा फाइल से बताते हैं, इसको फाइल से फाइल, तो एम्प्टी सेट को फाइल से लिखते हैं तो हम बोल देंगे ये तो एम्प्टी सेट है, तो दिस इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ये फाइल है एक, उसके अंदर ये अपने आप एक एलिमेंट है, फाइल इज एलिमेंट ऑफ डी, यहां तो कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए एम्प्टी सेट नहीं है। यहां एक्स है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से छोटा, तो हम जानते हैं 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, तो इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इसके रोस्टर फॉर्म में बनाओगे तो ऐसा आएगा, तो ये भी एम्प्टी सेट है। इसमें कुछ नहीं है तो ये भी एम्प्टी सेट है, इसमें 0 है इसलिए एम्प्टी सेट नहीं है, 0 भी अपने आप में एक नंबर है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट समझ गए, जिस सेट के अंदर कुछ ना हो वो एम्प्टी सेट, राइट। सेकेंड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट परिमित, परिमित हाँ एम्प्टी सेट को बोलते थे हम, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। फाइनाइट परिमित, और ये अपरिमित, परिमित जिन्हें गिन सकते हो आप, जिन्हें गिन सकते हो, गिन सकते हो वो परिमित, और जो नहीं गिन सकते अगणित, अनगणित नहीं गिन सकते वो ये काउंटेबल होते हैं, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था पिछले 2-3 एग्जांपल लिए थे, जिन एग्जांपल से पता लग रहा था कि कोई सेट है x, x इज ए इक्वल्स टू n, और n इज एलिमेंट ऑफ n, ये क्या है, परिमित है या अपरिमित है, कैसे बनेंगे इसमें, x n है, n एलिमेंट ऑफ n है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नेचुरल नंबर कहां तक चलते हैं, इंफिनिटी तक चलते हैं, तो ये आपका कहलाएगा ये अपरिमित, इनफिनिटिव, इनफाइनाइट सेट।
इन्फाइनाइट तक जाएगा ना, अनंत तक जाएगा। और यदि ये ऐसे होता, इसके आगे जुड़ा हुआ और होता, जैसे ये वाला सेट है, ये तो हो गया, हम लेते हैं ऐसा एक्स, एक्स क्या है एन है, और एन क्या है, एन इज एलिमेंट ऑफ एन। दूसरी चीज उधर की है, एन इज लेस देन ऑफ सिक्स। अब इसका क्या समझ लेगा, 1, 2, 3, 4, 5 बस रुक जाएगा। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, 5 मेंबर्स हैं इसके, 5 है इसमें नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है इसलिए काउंटेबल है। तो ये हो गया फाइनाइट, राइट। अब हम आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, दो सेट बहुत इजी है, समान समुच्चय, समान समुच्चय। और एक सेट है और, ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए है इसमें, इसमें ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और एलिमेंट्स भी इक्वल हो, आर सेम, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे, राइट। पॉसिबल था, चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ इसके कुछ एग्जांपल आप क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज से। और ये आपको एक्स दे दूंगा। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट का आपका यह एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड हो सकते हो, नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। 2 से डिवाइड होते हो ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड, ऑड 2 से डिवाइड होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये है नल सेट, है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स। ये है क्या, ऐसे इवन, यस एक प्राइम नंबर है इवन प्राइम नंबर 2, तो ये इसमें 2 आ जाएगा। ये नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ऐसे ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर फाइनाइट है, फाइनाइट। 1, 2, 3 डैश 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 आ जाए तो इनफाइनाइट है। यहां पर 1, 2, 3 बीच में डैश डैश आ गया, आगे रुक गया, 4, 5, 6 ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर तो बहुत सारे हैं, अनंत हैं, तो ये इनफाइनाइट है, ऐसे आपको सोचना है, करना है ना। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट। इसमें भी ढूंढना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, एक्स के इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। इस प्रकार से फाइनाइट इनफाइनाइट आपको सेट ढूंढने हैं, कौन से इनफाइनाइट है, कौन से फाइनाइट है। हाँ यस, अब आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, इक्वल देखने हैं, ए और बी, ए ए बी बी सी सी बी बी है, ए एंड बी आर इक्वल इन सेकेंड 4, 4, 8, 8, 16, 16, 12 नहीं मिला, ठीक है। तो यहां पर ए और बी इक्वल नहीं है, ये आपका आंसर है, राइट, ऐसे करने का।
ये भी ऐसा ही है, इक्वल देखना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स में इक्वल देखना है, ये आप कर लेंगे होमवर्क। तो इस प्रकार से हमने सेट थ्योरी का पार्ट वन पूरा किया, अब हम पार्ट टू लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, इसकी आप होमवर्क कर लीजिए, थैंक यू।